छत्तीसगढ़ में सचिव संघ और रोजगार सहायक संघ की हड़ताल जारी है। सचिव और रोजगार सहायक प्रदेश सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। दुर्ग में मानस भवन के सामने सचिव और रोजगार सहायक पंडाल लगाकर धरने पर बैठे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों की मांग पर प्रदेश सरकार की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आया है। सचिव संघ ने ब्लॉक अध्यक्ष निमेश भोयर ने कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो रायपुर में 21 जनवरी को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार सहायक संघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, जायज मांग लेते रहेंगे, जायज मांग लेते रहेंगे, अभी तो अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हमारा एक ही मांग है, 2 वर्ष बच्चा अवधि पूर्ण करने के बाद हम लोग को नियमित किया जाए और शासकीय सेवकों की भांति हम लोग को पूर्ण लाभ मिल सके उसका। हम लोग लगभग आज हम लोग को धरना स्थल में बैठे 22वां दिन हो गया है, लेकिन सरकार ने अभी तक हमारी मांग पर गौर नहीं किया है। कई बार पंचायत मंत्री और मुख्यमंत्री से हमारा डेलीगेशन हो चुका है, लेकिन हमारी समझौता नहीं होने के कारण हमारी वार्ता विफल रही है। और अभी हम लोग दुर्ग में 20 तारीख तक बैठेंगे, 21 तारीख से हमारा अगला जो धरना प्रदर्शन है वो रायपुर में चलेगा और आगे की जो जितनी भी कार्रवाई है उसमें हम लोग रायपुर में शामिल करेंगे। रोजगार सहायक जो है आज बैठे हुए, हम लोग को करीबन जो है 17 दिन हो गया और हमारी मांगे जो है शासन से जो है नियमितीकरण और गेट पे का है मुख्यतः। साथ ही जो है किसी भी नगर पंचायत जो है नगर निगम में विलय होता है तो उस पंचायत के रोजगार सहायकों को उसमें विलय किया जाए और जब भी सचिव का पद निकलता है तो अर्हता के आधार पर रोजगार सहायकों को लिया जाए। साथ ही हमारा जो है संयुक्त मंच हड़ताल के लिए आज बैठे हुए हैं, साथ में सचिव भाई लोग भी मेरे साथ में बैठे।